नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई लिखते हैं फ्रेंड्स लर्न एंड अर्न की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमें कैसे करना चाहिए। अगर आप जीवन में फाइनेंशियल दिक्कतों से बचना चाहते हो तो इसके लिए आपको सही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। इसमें जरूरी है कि बजट करें और पहले इनकम के साथ ही अनुशासित फाइनेंशियल प्लानिंग करें ताकि भविष्य में पैसों की जरूरत को पूरा किया जा सके। लेकिन सिर्फ वक्त बजट तक की काम नहीं पूरा होता है, बल्कि इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना होता है। उदाहरण के तौर पर घर, गाड़ी, मैरिज लाइफ हो, होम हो, फोर व्हील हो, टू व्हीलर हो, उसको भी हमें लेना है। जीवन में इन लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी है अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कौन कौन से गोल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग में वे लक्ष्य जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी होते हैं, इसमें पहला रास्ता रहेगा, जैसे ही फ्रेंड्स अगर आप कॉलेज से बाहर निकलते हो तो आप जॉब करते हो। ये वीडियो फ्रेंड्स जॉब करने वालों के लिए भी रहेगा और बिजनेस करने वालों के लिए भी रहेगा। तो हो सके तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर को, आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया को इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक रहेगा इमरजेंसी फंड। फ्रेंड्स, जैसा कि 20-25 साल में आप जॉब करने लगते हो तो सबसे पहला गोल आपका रहेगा इमरजेंसी फंड। इसमें आपको फ्रेंड्स 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपको करना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके द्वारा इकट्ठा किया हुआ वह रकम होता है जो अचानक बढ़ने वाले आर्थिक संकट से निपटने में काम आता है। यह आपकी कम से कम 6 महीने के कमाई के बराबर होना चाहिए। इस तरह के फंड को आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इमरजेंसी फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लाइफ में। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आपको शुरुआत में 6 महीने तो आपको सेविंग करना ही है फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने के बाद आप जॉब को आपको वो पसंद ना आए तो आप जॉब चेंज करने के लिए उतावर हो सकते हो और दूसरा जॉब भी आप ढूंढने हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि बॉस आपको ना भी बोल सकता है। तो उस टाइम पे आपने अगर 6 महीने का फंड इकट्ठा किया होता है तो वो 6 महीने आपको 2-3 महीने तक आपको वो न्यू जॉब जब तक नहीं मिलेगा तब तक के लिए ये आपको काम आ सकता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा इमरजेंसी फंड 6 महीने का फ्रेंड्स। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स मेडिक्लेम, यानी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप सिंगल हो तो खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप फैमिली का भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हमें स्वास्थ्य बीमा के साथ भी करनी चाहिए। यह नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले सभी के लिए जरूरी है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तब भी आपको केवल कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर नहीं रहना है, अलग से भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसमें कई तरह के प्लान होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो पर्सनल एक्सीडेंस। ओके फ्रेंड, इससे क्या फ़ायदा होता है हमें, अगर कुछ इमरजेंसी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आती है फैमिली को या अपने आप को तो वो आपके बचत से उसमें से पैसा खर्च नहीं करना पड़े। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मेडिक्लेम आप होगा कि आप उसमें से पैसा कट हो सकता है फ्रेंड्स मेडिक्लेम में। ओके फ्रेंड्स, तो मेडिकल यानी हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए अनिवार्य है। तीसरा टॉपिक मैंने लिया है फ्रेंड्स टर्म इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, यह लाइफ इंश्योरेंस का एक प्रकार है जो जीवन के अनिश्चितताओं के खिलाफ आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। इसमें खरीदे गए टर्म इंश्योरेंस प्लान के आधार पर आपके सामाजिक मृत्यु की स्थिति में आपके परिवार को सम इंश्योरेंस मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस प्लान आप अपने जरूरत के हिसाब से चुन सकते हो। इसमें रेगुलर टर्म प्लान भी आता है, सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान भी आता है, इंक्रीजिंग टर्म प्लान भी आता है। तो आप नज़दीक के या फिर आप गूगल में आप सर्च कर सकते हो कि टर्म्स प्लान कौन सा अच्छा है, तो आप गूगल को पूछ सकते हो, वो आपको बता देगा टर्म्स प्लान कौन सा लेना चाहिए आपको इनकम के आधार पर। टर्म्स प्लान तो कंपल्सरी फ्रेंड्स व्यक्ति के पास होना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आएगा फ्रेंड्स रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी चाहिए, जिसमें आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। नौकरी की शुरुआत करते ही आपको अपने रिटायरमेंट का सोचना चाहिए। इसकी तैयारी जितनी जल्दी होगी भविष्य उतना ही बेहतर होगा। ऐसे में कमाई का एक हिस्सा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बचना होगा। बचत की रकम को आप
कम से कम 20 फॉरेन इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको रिटायर में प्लानिंग करना है तो इसमें आपको सबसे पहले आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद दूसरा ऑप्शन रहेगा म्यूचुअल फंड यानी SIP। फ्रेंड्स अगर आप म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सालाना 12-15% रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स, और प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड रिटायरमेंट का, ताकि हम जब रिटायरमेंट होते हैं तो आपको फाइनेंशियल से जूझना ना पड़े। तो उसका स्टार्टिंग से जब आप जॉब पे लगते हो तो स्टार्टिंग से ही आपको प्लानिंग करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आएगा ऑप्शनल ग्रोथ। फ्रेंड्स ऑप्शनल ग्रोथ जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो अति आवश्यक नहीं होते, इन्हें जरूरत के हिसाब से देरी या पहले भी पूरा किया जा सकता है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के समय हमें वैकल्पिक लक्ष्य के तौर पर भी देखा जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर जैसे ही आप जॉब पे लग जाते हो तो आपको पहला गोल रहना चाहिए बाइक लेना। अगर आप बाइक आपके पास रहेगा तो आप आसानी से आप अप डाउन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, दूसरा रहेगा मैरिज। फ्रेंड्स किसी व्यक्ति के जीवन में शादी काफ़ी अहम होता है, शादी को लेकर कई सपने होते हैं, चाहे वो विदेश जाकर हनीमून मनाना हो या फिर धूमधाम से खर्च करने की, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना बुरा साबित हो सकता है। यह आपकी फाइनेंशियल स्थिति को खराब कर सकती है। ऐसे में शादी के लिए पहले से ही बचत करें, सैलरी का एक हिस्सा शादी के लिए सुरक्षित फंड में निवेश करें और फिजूल के खर्चे से बचें और बजट के लिहाज से खर्च करें। फ्रेंड्स शादी के लिए खुद को ही खर्चा उठाना चाहिए फ्रेंड्स। इसके लिए आप जैसे जॉब पे लगते हो तो पूरा माइंड में आपको एक गोल बना लेना चाहिए कि मैं इतने सैलरी का कुछ परसेंटेज बाइक लूँगा, कुछ परसेंटेज मैरिज के लिए करूँगा, कुछ परसेंटेज मैं म्यूचुअल फंड में करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा। ऐसे आपको लक्ष्य करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नौकरी पैसे हो या कारोबारी, व्यक्ति सभी गाड़ी खरीदना का सपना होता है, सबका फ्रेंड्स सपना होता है कि उनके पास 4-व्हील हो। तो हम इस सपने को पूरा करने में अच्छी फाइनेंस प्लानिंग आपकी काफ़ी मदद कर सकती है, जिसके लिए आप SIP में इन्वेस्ट करना बेहतर कभी साबित हो सकता है। SIP से सब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अच्छी तरह से कार भी ले सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, होम। फ्रेंड्स सभी का गोल रहता है कि जो होम आपके अभी जिस होम में आप रह रहे हो उसके अलावा भी आप एक प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करो, एक अच्छा खासा होम सिटी में हो। तो उसके लिए भी आपको SIP हो, स्टॉक हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप होम भी ले सकते हो। और फ्रेंड्स रहेगा पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स किसी भी व्यक्ति के लिए पारिवारिक जिम्मेदारी का हम होता है, बच्चों को एजुकेशन हो या परिवार के समस्या की बात हो या उनके भविष्य का जिम्मा, ये सभी जरूरी होते हैं। ऐसे में सुरक्षित बचत होना जरूरी आवश्यकता है। फ्रेंड्स अप स्किल, जैसे कि आप आगे और स्टडी करना चाहते हो तो इसके लिए नौकरी करते समय अगर अपने स्किल की मजबूत करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके बैंक खाते में फीस भुगतान के लिए रकम होनी चाहिए। ऐसे में हमें पहले ही तय करना होगा कि क्या हमें अपनी स्किल को अपग्रेड करना है, अगर हाँ तो इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी और बचत करना होगा। फ्रेंड्स ये हो गया फ्रेंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग का कुछ नॉलेज जो मैंने आपको अपने हिसाब से शेयर किया, जिसमें आप आगे पीछे करके ये सब कर सकते हो। जैसे मैंने पहला बताया इमरजेंसी फंड 6 महीने का होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म प्लान भी होना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी चाहिए जिसमें आपको स्टॉक हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो प्रॉपर्टी लेना चाहिए, या फिर ऑप्शनल ग्रोथ में मैंने आपको बताया कि बाइक लेना हो, मैरिज करना हो, कार लेना हो, होम लेना हो, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो, या फिर अप स्किल यानी आप और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हो, तो आपके इनकम के आधार पर आप ये सब गोल आगे पीछे करके आप सेट कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर आपने इसके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग किया तो आपको आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में बहुत ही इजी हो सकता है फ्रेंड्स ये सब अचीव करने में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।